हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ क्या है, न्यू इंग्लिश स्कूल ब्रासी। तो इन द बुक्स ऑफ क्या रहेगा, न्यू इंग्लिश स्कूल ब्रासी प्रिपेयर। क्या प्रिपेयर करना है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड क्या रहेगा 31 मार्च 2020, एंड बैलेंस शीट एज ऑन क्या रहेगा 31 मार्च 2020 रहेगा। यहाँ पर देखो कैसा, दो बैलेंस शीट, एक तो बैलेंस शीट ये 1 अप्रैल मतलब क्या दिया रहेगा हमें, ओपनिंग बैलेंस शीट दिया गया है, और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का हमें क्लोजिंग दिया गया है, मतलब एज अ फॉर द ईयर एंडेड तक दिया गया है। तो अगर आप जब भी आपको ऐसा चीज़ दिखे तब आपको क्या करना है, देखो आपको क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है। देखो यहाँ पर कैश इन हैंड कितना दिया है 6000, यहाँ पर भी कैश इन हैंड कितना दिया है 6000, यहाँ पर कैशड बैंक कितना दिया है 10000, यहाँ पर भी कैशड बैंक कितना दिया है 10000। तो मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखो हम पहले भी सब में ऐसे ही करते थे, जो ये जो बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब क्या था, ओपनिंग, ओपनिंग को क्या करते थे हम क्लोजिंग, ओपनिंग को क्या कैंसिल करते थे, और ये अपना दिया है क्लोजिंग, क्लियर है। तो हम ओपनिंग को ऑलवेज क्या करते थे, कैंसिल ही करते थे। तो ये जो कैश इन एंड दोनों साइड देखो अमाउंट भी सेम है, नाम भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर कैपिटल फंड ऊपर दिया है, ये कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी में जाएगा। बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट्स में। फर्नीचर असेट्स में, लाइब्रेरी बुक असेट्स में, कंप्यूटर लेबोरेटरी भी कहाँ जाएगा, असेट्स में। ऊपर दिया ये सारा का सारा चीज़ कहाँ जाएगा, असेट साइड पे जाएगा। रिसिप्ट साइड पे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, ट्यूशन फीस। ट्यूशन फीस अपने लिए क्या रहेगा, इनकम। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, इनकम, इनकम। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है उसका, लाइबिलिटी साइड पे। पेमेंट का मतलब क्या होता है अपने लिए, एक्सपेंस। और कहाँ जाता है ये, असेट साइड पे जाता है, क्लियर है। तो ट्यूशन फीस क्या रहेगा, इनकम। टर्म फीस भी क्या रहेगा, इनकम। एडमिशन फीस भी क्या रहेगा, इनकम। देखो डोनेशन, और ब्रैकेट में क्या दिया है, कैपिटलाइज, मतलब इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। मतलब डोनेशन क्या रहेगा, इनकम, और इसको मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ, क्योंकि ये अमाउंट यहाँ से लेस हो जाएगा, कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो कैपिटल फंड को भी मैं क्या कर दूँ, स्टार कर दूँ। कैपिटल फंड हम ऑलवेज इनर में ही लिखते हैं। इंटरेस्ट रिसीव क्या रहेगा, इनकम। गवर्नमेंट ग्रांट्स रेवेन्यू का मतलब क्या रहेगा, इनकम। और सन्ड्री रिसीव भी कहाँ जाएगा, इनकम में जाएगा, मतलब सारा चीज़ इनकम में जाएगा। डोनेशन को स्टार है, मतलब डोनेशन में से लेस हो जाएगा और कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, क्लियर है। स्टेशनरी कहाँ जाएगा, सॉरी सैलरी कहाँ जाएगा अपने लिए, एक्सपेंडिचर साइड। लाइब्रेरी बुक, देखो ऊपर भी लाइब्रेरी बुक था, यहाँ पर भी लाइब्रेरी बुक क्या रहता, असेट्स। और इसको मैं क्या कर दूँ, एक स्टार कर दूँ, स्टार कर दूँ, मतलब ये लाइब्रेरी बुक में ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मतलब वेरी फर्स्ट हम लाइब्रेरी बुक कितना लिखेंगे, 45000। ऐड क्या लिखूंगा, ऐड न्यू परचेज कितना लिखूंगा, 14000। मतलब दोनों को क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। ऑफिस ये यहाँ पर मैं लिख दूँ, यहाँ पर ऐड हो जाएगा, क्लियर है ये। तो ऑफिस रेंट कहाँ जाएगा, एक्सपेंस साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कहाँ जाता है, एक्सपेंडिचर साइड। सन्ड्री एक्सपेंस, एक्सपेंस साइड। आई होप आपको भी सब पता है। इंश्योरेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंड। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट रहता तो क्या रहता, असेट। इंश्योरेंस है तो कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। स्पोर्ट्स एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। एनुअल गैदरिंग एक्सपेंस कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर। ये फर्नीचर देखो यहाँ पर भी फर्नीचर है, तो ये फर्नीचर को क्या कर दूँ, स्टार। तो मतलब ये फर्नीचर कहाँ जाएगा, असेट्स में। और क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले फर्नीचर में क्या लिखेंगे हम, ऐड परचेस करके लिखेंगे। रिपेयर्स कहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर। याद करो कोई भी आप रिपेयर कराते हो तो आपके लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और कैश इन हैंड कहाँ जाएगा, असेट्स। कैशड बैंक कहाँ जाएगा, असेट। इसको हम लिखते नहीं है, क्लियर है। सारा चीज़ हमने आइडेंटिफाई कर दिया, क्लियर है, कौन सा कहाँ पर जाएगा। तो ये देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना दिया है, 9000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी को मैं क्या कर दूँ, स्टार। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा। और सेकेंड इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सैलरी में। सेकेंड इफेक्ट, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, सैलरी अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पे जाता है, क्लियर है। आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है बेटा, ऐड हो जाएगा। और ट्यूशन फीस अपने लिए क्या है, इनकम ना। तो आउटस्टैंडिंग इनकम पहला इफेक्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। क्यों, वाई असेट साइड, क्योंकि ट्यूशन फीस अपने लिए क्या है, इनकम। मतलब पैसा लेना बाकी है तो क्या हो जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। और यहाँ पर पैसा पे करना बाकी था तो लाइबिलिटी, पैसा लेना बाकी है तो असेट। डेप्रिसिएशन, लाइब्रेरी बुक 9000 एंड फर्नीचर 10%। मतलब लाइब्रेरी बुक को क्या है, एक और स्टार है, और फर्नीचर को, मतलब फर्नीचर और लाइब्रेरी बुक को कितने, 2-2 स्टार है। मतलब ये फर्नीचर लिख के मैं कितना, 5 लाइन छोड़ूंगा। तो वेरी फर्स्ट आपको क्या करना है कि देखोगे तो मैंने सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिया है।
कैपिटल फंड कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड, तो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में मैंने लिख दिया कैपिटल फंड। बिल्डिंग कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो मैंने बिल्डिंग को स्टार नहीं तो डायरेक्ट आउटर में लिख दिया। फर्नीचर को आप देखोगे तो स्टार है तो कितना लाइन छोड़ना है, मैंने 5 लाइन, तो 72,000 करके 5 लाइन, 2 स्टार है। लाइब्रेरी बुक कहाँ जाएगा, असेट्स में, तो उसको भी क्या 5 स्टार लिख दो। कंप्यूटर लेबोरेटरी को स्टार नहीं तो मैंने कहाँ लिख दिया, डायरेक्ट उसको आउटर में लिख दिया। और सारा देखो इनकम साइड भी मैंने क्या कर दिया, पूरा ट्रांसफर, डोनेशन और ट्यूशन फीस को स्टार है तो कहाँ लिखा, इनर में लिख के 3-3 लाइन मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया है। और एक्सपेंस साइड में देखो सैलरी को स्टार है तो सैलरी के नीचे 3 लाइन मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अभी क्या करना है, देखो ये फर्नीचर कहाँ गया, अपने लाइब्रेरी बुक कितना था 14,000, तो ये 14,000 क्या हो जाएगा, इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, तो ये जो लाइब्रेरी बुक्स है उसके अंदर मैं क्या लिखूँगा, ऐड न्यू परचेस, क्या लिखूँगा, ऐड न्यू परचेस। कितना होगा देखो, लाइब्रेरी बुक में कितना परचेज है, 14,000, तो ये 14,000 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो अगर करोगे तो कितना आ जाएगा, 59,000 अपना क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। सेम एज अ ये जो अपना फर्नीचर है, फर्नीचर फर्नीचर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड क्या लिखो, ऐड न्यू परचेज, ऐड क्या लिखेंगे, न्यू परचेज कितना है 50,000, तो ये क्या करूँ मैं, ऐड कर दूँ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्लियर है। तो 5 + 7 कितना होता है, 12, तो 1,22,000 आ गया आंसर। अभी करना क्या है, मैंने सारा चीज़ यहाँ पर लिख दिया, अभी एडजस्टमेंट की बारी है तो मैं आपके सामने रखता हूँ, फटाक से इसे ट्रांसफ़र कर लीजिए, हम साथ में मिलके एडजस्टमेंट करते हैं। वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या था, डोनेशन क्या था, कैपिटल, मतलब इसको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है 61,000, तो डोनेशन में से मैं क्या करूँगा, लेस करूँगा, लेस क्या लिखूँगा मैं, कैपिटलाइज, क्लियर है। कितना लिखना है, 61,000, कुछ बोला नहीं गया तो पूरा ही क्या करना है मेरे को, लेस करना है। तो आउटर में कितना आ जाएगा, नील, मैं यहाँ पर रेड पेंसिल लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम में कोई भी एक ही पेंसिल लिखना है, मैं तो जस्ट आपको समझे इसके लिए अलग अलग पेंसिल लिख रहा हूँ। तो लेस कैपिटलाइज और कैपिटल फंड में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड क्या लिखूँ, डोनेशन फॉर कैपिटल फंड, डोनेशन फॉर कैपिटल फंड कितना ऐड करना है मेरे को, 61,000 क्या करना है मेरे को यहाँ पर ऐड करना है। तो 3 0 का 3 0 नीचे आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, 6 + 4 10 0, और ये कितना आएगा, 7,04,000 आंसर आ जाएगा। सेकंड क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना बोल रहे हैं, 9,000, तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा, तो सैलरी में मैं क्या लिखूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पर लिखता हूँ ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी, ऐड क्या लिखूँ मैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना, 9,000 मेरे को क्या करना है, 90 में 9 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 99। और सेकेंड इफेक्ट देखो, एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आया था, 9,000, तो आउटर में मैं कितना लिख दूँ, 9,000 आंसर लिख दूँ। सेकेंड एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना बोल रहे हैं, 15,000। आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ऐड होगा, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, ऐड आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, आउट स्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना आपको दिया है, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस हमें दिया है 15,000, तो 90 में 15 ऐड कर दूँ तो इतना हो जाएगा 1,05,000, और सेकंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड, तो असेट साइड में हम क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस, तो आउटस्टैंडिंग क्या लिखेंगे असेट साइड में, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फीस कितना लिखूँ मैं यहाँ पर, 15,000 लिख दो, क्लियर है। सेकेंड वेरी लास्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहे हैं, डेप्रिशिएशन, लाइब्रेरी बुक्स कितना बोल रहे हैं, 9,000, और फर्नीचर कितना बोल रहे हैं, 10,000। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने फर्नीचर का कैसे लिखा था, यहाँ पर 72 था, एड न्यू परचेस 50, तो 1,22,000 फॉर फर्नीचर में से कितना लेस करना है, 10,000, तो यहाँ से लेस क्या लिखूँ, लेस डेप्रिशिएशन कितना लेस करना है, 10,000। अरे 1,22,000 में से 10 गया तो कितना बचता है, 1,12,000, क्लियर है। और सेम एज अ लाइब्रेरी बुक में से कितना लेस करना है, लेस डेप्रिशिएशन 9,000। तुम बोलोगे सर खामा का आपने 5 लाइन छोड़ाया,
अरे ऐसा नहीं, हो गया हो गया, कुछ कुछ समय यहाँ पर दो लाइन का इस्तेमाल, तो भी आप देखोगे तो कितना एकदम ब्यूटीफुल लगेगा। देखो ये अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, तो एकदम उससे अच्छा दिखता है, क्लियर है। 59 में से 9 गया तो 50, क्लियर। और एग्ज़ाम में मार्क्स आपको प्रेजेंटेशन का ही रहता है, तो यहाँ से क्या हो गया, लेस हो गया। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा अपना, एक्सपेंस साइड। तो एक्सपेंस साइड पर लिखता हूँ टू डेप्रिशिएशन। वेरी फर्स्ट किसका था यहाँ पर, किसका भी लिखो, मैं वेरी फर्स्ट फर्नीचर लिखता हूँ। फर्नीचर का हमें कितना दिया था 10,000 और लाइब्रेरी बुक्स का कितना दिया था 9,000, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, लाइब्रेरी बुक्स का कितना लिखूँगा मैं, 10 + 9 कितना हो जाएगा 19, तो कितना आ गया 19 आ गया। सारी चीज़ आप देखोगे तो मैंने ट्रांसफ़र कर दी। अब बारी आई किसकी, टैली की। तो टैली करते समय वेरी फर्स्ट आपके हाथ में क्या रहना चाहिए, पेंसिल रहना चाहिए। अगर आप इस साइड का टोटल करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2,04,200। अगर आप इस साइड का टैली करोगे तो आएगा 2,53,000, क्लियर है। तो अभी आप देखोगे तो 2,53,000 ज़्यादा है, तो मीन एंड में क्या लिखूँ, 2,53,000। यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँ, 2,53,000। अभी क्या करना है, 2,53,000 में से कितना माइनस करना है आपको, 2,04,000 माइनस करना है, मतलब 2,53,000 में से कितना आपको माइनस करना है, 2,04,200 आपको क्या करना है, माइनस करना है। अगर आप माइनस करोगे तो 48,800 आपको आंसर आएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ, 48,800 आंसर लिख दूँ, इसको क्या बोलते हैं हम, सरप्लस, क्लियर है सर। अगर आप एक बुक्स में आप अगर उसमें देखोगे तो 2,00,000, यहाँ पर 48,000, यहाँ पर अपना कितना आंसर है, 48,800, तो अपना आंसर राइट है। अगर आप एंड में देखोगे तो टैली हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर। कितना है सरप्लस, 48,800, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ऐड क्या लिखूँ मैं यहाँ पर, सरप्लस कितना आया था, 48,800 आंसर आया था। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7,52,800 प्लस 9,000 ऐड करोगे तो आ जाएगा 7,61,800। और सेम एज आप बैलेंस शीट का ये सेट का भी टोटल करोगे तो आपको आंसर आएगा 7,61,800, क्लियर है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कैश इन एंड कितना है, 4,800, तो पीछे देखो अपना 800 आंसर आ रहा है। अगर आप टेक्स्ट बुक में करा देखोगे पेज नंबर 121 पे, तो आपको सरप्लस कितना दिया है, 48,000। तो अगर आपको मेरा कितना है, 48,800, हालांकि मेरा सम राइट है, मैंने पूरा सम आपको करके दिखाया। अगर बैलेंस शीट का टोटल देखोगे तो इसका कितना आया था, 7,61,800, और अपना भी टोटल राइट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।